दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने आवास पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद यह दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। वहीं आपने 2024 लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम की घोषणा भी कर दी है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में आपके बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाएगी और 2024 का लोकसभा चुनाव केजरीवाल बनाम मोदी होगा। इस वीडियो में हम इसी बात का विश्लेषण करते हैं कि क्या वाकई 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने पीएम पद के दावेदार के तौर पर केजरीवाल के नाम का ऐलान भले ही अब किया हो, लेकिन इसके संकेत पंजाब में पार्टी की जीत के बाद से ही मिलने लगे थे। इसी साल पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत मिलने के बाद ही केजरीवाल बदले बदले अंदाज में हैं। वे पीएम मोदी के खिलाफ अपने रुख में बदलाव करते हुए आक्रामकता दिखा रहे हैं, जबकि पंजाब चुनाव से पहले वे सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बचते थे। केजरीवाल के मेक इन इंडिया नंबर वन मिशन और तिरंगा अभियान को भी उनके प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा से ही जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की उसी लाइन को पकड़ लिया है जिस पर बीजेपी चल रही है। हर जगह पर अब वह विपक्ष के दूसरे नेताओं की तुलना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे रहे हैं। उनके इस तेवर से एक बार फिर 2014 की याद आ रही है, जब वह लोकसभा चुनाव में सीधे नरेंद्र मोदी के मुकाबले बनारस से उतर गए थे। अब आप सीधे बीजेपी से टकराकर विपक्ष की अग्रणी और मजबूत पार्टी के तौर पर खुद को दिखा रही है। रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी अब आमने सामने है। हालांकि 2014 के मुकाबले 2024 तक हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। 2014 में जहां नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति से निकलकर केंद्र की राजनीति में अपनी चुनौती पेश कर रहे थे, वहीं अरविंद केजरीवाल भी नए नेता के तौर पर उभरे थे और उन्होंने कुछ ही समय पहले दिल्ली की सत्ता हासिल की थी। लेकिन इस समय वह 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और अब आम आदमी पार्टी की पंजाब में भी सरकार है, वहीं गुजरात में उसे 2 सीटें भी मिली हैं। इस साल होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव में भी वह मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के नाम का ऐलान ऐसे समय पर किया जब कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी अघोषित उम्मीदवार हैं, तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी इस पद के लिए खुद को दावेदार के तौर पर पेश कर रही हैं। हाल ही में बिहार में बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद महागठबंधन में लौटे नीतीश कुमार को भी जेडीयू 2024 में पीएम पद के दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। ऐसे में विपक्ष में केजरीवाल समेत पीएम पद के लिए अब कई दावेदार हो गए हैं। हालांकि ममता बनर्जी की बात करें या नीतीश कुमार की या फिर तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की, इन नेताओं की पकड़ फिलहाल अपने राज्य के अलावा और कहीं नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, जबकि दूसरी तरफ बात करें तो एनडीए में पीएम नरेंद्र मोदी ही निर्विवाद उम्मीदवार हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि बीजेपी से मुकाबला करना अभी विपक्ष में किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह यह है कि दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। हाल ही में एक सर्वे में कहा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस कदर बनी हुई है कि वे लगातार 3री बार भी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वहीं बीजेपी के साथ संघ जैसा एक मजबूत संगठन है जो चुनाव में दिन रात उनके लिए काम करता है। बीजेपी की इस समय 17 राज्यों में सरकारें हैं, इनमें से 12 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी इस समय अपने राजनीतिक इतिहास के शिखर पर है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष किस तरह धाराशायी हो रहा है। इसकी एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष में एकजुटता नहीं है। हाल ही में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्षी एकता तार तार हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यदि विपक्ष एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में उतरे तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कांग्रेस या तृणमूल कांग्रेस या फिर जेडीयू जैसी पार्टियां पीएम पद के दावेदार के तौर पर अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करेंगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।